वह भारत को मां माने, कोई भी हिस्से के अंदर अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए तो वो हिस्सा देश से अलग होने की बात करने लगता है। हिंदुओं की सहनशीलता उसकी कायरता नहीं, वो चाहते हैं सरकार को फेल कैसे किया जाए। लेकिन ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं विदेशों से मदद मिलती है। सिविल लाइन से विधायक और जनप्रिय नेता गोपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, शास्त्री नगर वाली जो भी दुखद घटना हुई, आप रात से ही उस पर नज़र बनाए रखे हैं। आज आप शास्त्री नगर थाने में भी गए, उनके परिवारजनों से भी मिले, और ये देख के सबके दिल में एक दर्द का एहसास ज़रूर है कि उस परिवार में अब जो बचा है वो एक दिव्यांग महिला, उसके दो छोटे बच्चे और एक बूढ़ी माँ। आपसे भाई साहब जानना चाहेंगे क्या समझाइश हुई है, और एक विशेष बात भाई साहब और है कि पिछले 7 से 8 दिन में उदयपुर हो गया, जयपुर हो गया, और उससे पहले बांग्लादेश हो गया, हर जगह अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाला है। ये हम नहीं बल्कि आम जनता भी कह रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हिंदू सहिष्णु है, और दूसरी चीज ये है कि वह भारत को माँ मानता है। कोई भी हिस्से के अंदर अगर हिंदू अल्पसंख्यक हो जाए तो वो हिस्सा देश से अलग होने की बात करने लगता है। लेकिन हिंदू कैसे कहे इस बात को, उसका तो देश है। तो इसलिए निश्चित रूप से कई बार तकलीफ होते हुए भी हिंदुओं को सहनशीलता का परिचय देना पड़ता है। लेकिन हिंदुओं की सहनशीलता उसकी कायरता नहीं है। मुगलों को जाना पड़ा, ब्रिटिश राज को जाना पड़ा, शकों हूणों को, लोदियों को, इन सब को जाना पड़ा। इसी तरह से जो भी अराजक तत्व हैं, 2014 से ठीक पहले पूरे देश में बम ब्लास्ट हो रहे थे, सीरियल बम ब्लास्ट। जयपुर में 85 लोगों के परखच्चे उड़ गए, 225 के करीब घायल हुए, दिल्ली के अंदर, बेंगलोर में, हैदराबाद में, बनारस में, कानपुर में, लखनऊ में, पटना में, सब जगह सीरियल बम ब्लास्ट हुए। हमने यहाँ तक देखा कि मोदी जी की सभा हो रही है और बम फट रहे हैं। आज क्या वो स्थिति है? केवल मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से ही वह परिवर्तन आ गया, लोगों को पता चल गया कि अब कानून का राज है। तो यह जो कानून का राज है, यह स्थायी रूप से रहे, इसके लिए ज़रूरी ये है कि अभी चूँकि सरकार बदली है, सरकार बदलने से वो चाहते हैं सरकार को फेल कैसे किया जाए। उसके लिए सारे मुसलमान भाई दोषी नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनको कहीं ना कहीं विदेशों से मदद मिलती है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से किसी दूसरे देशों के साथ जुड़े हुए हैं। माफ़ी चाहूँगा आपको, बीच में मैं टोक रहा हूँ, मेरा अगला सवाल भी यही था। जैसे आपने कहा कि सरकार को फेल करने की साजिश हो रही, तो लगातार इस प्रकार की जो घटनाएँ हो रही है, सवाल भी मेरा यही था, क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत हो रही है? ऐसा हो सकता है, जाँच से पता चलेगा, लेकिन संदेह के बादल हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो सरकारें हैं, ये सरकारें कोई भ्रष्ट सरकारें नहीं हैं। केंद्र में मोदी जी जैसा नेतृत्व है, और राजस्थान में भजन लाल जी जैसा कर्मठ नेतृत्व है। जो व्यक्ति गरीबी के अंदर निखर करके हीरा बना है, कोहिनूर बना है, उसको क्या कोई ताकतें पराजित कर सकती हैं? नहीं। तो इसलिए थोड़े समय का विषय है, ये जो अराजक तत्व हैं इसमें बहुत सारे लोग तो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या हैं, जयपुर के अंदर भी रह रहे हैं इनकी, लेकिन तेज़ी से पहचान होने की ज़रूरत है। सब शास्त्री नगर में जो घटनाक्रम हुआ, जैसा कि हमने शुरू में भी देखा, थाने में भी हम आपसे मिले, वहाँ किस चीज़ पे समझौता हुआ, और एक घटना कुछ आपके साथ भी हो गई? देखिए, मेरे साथ जो घटना हुई ना, उसका कोई महत्व नहीं है। उसका कारण है कि हमको इस घटना का केंद्र बिंदु बनने का जो पात्र बनाया है वो तो जनता ने बनाया है। अगर जनता के ऊपर कोई विपरीत स्थिति आती है और हम अपना सिर आगे नहीं करें, तो फिर जनता के प्रतिनिधि क्या हुए? तो एक तो उस घटना का कोई महत्व नहीं है। विषय ये था कि निरपराध लोगों पर लाठी चार्ज नहीं हो सके, पुलिस को कोई भ्रम हो गया, एक वर्ग के घर से पथराव हो रहा था, उनको लगा पथराव करने वाले हिंदू हैं, हिंदू तो वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, राम जी का नाम ले रहे थे। तो मैंने ये कहा कि हम लोग जहाँ पर बैठे हैं
वहाँ पर कोई ऐसी घटना हो ही नहीं सकती कि कोई पुलिस पर आक्रामक हो जाए। तो उसको समझने में उनको समय लगा, लेकिन ये चीज़ समझ में आ गई। शास्त्री नगर वाले घटनाक्रम में जो परिवार है जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ सा टूट पड़ा है, किन शर्तों पे समझौता हुआ है या होने वाला है? देखिए, आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ सामने जानी चाहिए कि जिस युवक को कायराना तरीके से रात को मारा गया है, उसकी 32-33 साल की पत्नी विकलांग है, एक बच्चा कक्षा 3 में पढ़ता है, एक बच्चा 1 में पढ़ता है, बच्चे का नाम ऋषि है, बच्ची का नाम भावना है। वो पूछ रहे हैं कि हमारे पापा कहाँ हैं, कहाँ से कोई पापा को ला दे। माँ की स्थिति ये है कि वो 75 साल की 80 साल की है, और वो 4 बार तो थाने में बेहोश हो चुकी है, 2 बार तो उनको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भिजवाया जा चुका है। मैं उन चिकित्सकों को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी हड़ताल होते हुए भी उन्होंने थाने में आकर के बीमार माँ को संभाला। यही भारत की ताकत है। तो इतना गरीब परिवार जिनके पास कोई सहारा नहीं है, सरकार ने उनके लिए नौकरी की व्यवस्था की है, दुकान की व्यवस्था की है, और उनके लिए मुआवजे की भी व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए बातचीत चल रही है। दो छोटे छोटे सवाल और हैं मेरे। एक तो बांग्लादेश में जो भी हिंसा हुई उसके खिलाफ पूरा देश एकजुट हो गया है, पहला। दूसरा, जो कोलकाता में जो दुखद घटना एक महिला डॉक्टर के साथ में हुई है, उसके लिए भी पूरा देश एकजुट हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि अत्याचार किसी पर ना हो बांग्लादेश वाले मामले में, और एक किसी महिला के साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है तो अब एक ऐसे कानून की ज़रूरत आन पड़ी है, या फिर अगर ऐसा कानून है तो उसे पालन करवाने की सख्ती से ज़रूरत आन पड़ी है कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में हम ना देखें? देखिए, बांग्लादेशियों को ये ध्यान में नहीं है कि हमने कितनी कुर्बानियां दे करके उनके यहाँ लोकतंत्र की रक्षा की है। भारत नहीं होता तो बांग्लादेश नहीं होता। कम से कम हमारे 6,000 लोग शहीद हुए हैं, सैनिक। हमारे कई एयरक्राफ्ट नष्ट हुए हैं, कई टैंक नष्ट हुए हैं, पाकिस्तान के ज़्यादा हुए हैं, लेकिन हमारी इतनी कुर्बानियों के बाद बांग्लादेश बना, और इसके बावजूद वो भारत का महत्व नहीं समझ जाए। बांग्लादेश और भारत के अंदर फ़र्क ये है कि जो बांग्लादेश में हुआ वैसा भारत नहीं कर सकता। भारत एक जिम्मेदार देश है, सृष्टि का आधार है, लोकतंत्र का आधार है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संस्कृति लोकतंत्र की जननी है। जब ये सारे देश, अमेरिका वगैरह ये सब, इनके यहाँ लोकतंत्र नहीं आया था, तब हमारे यहाँ वेदों में सभा और समिति लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिक्र मिलता है। तो भारत चाहे तो ढाका कितनी दूर है, हमने पहले भी तो ढाका को आज़ाद करवाया है, हमारे लिए कितनी दूरी है, पहुँच जाएंगे। लेकिन भारत एक जिम्मेदार देश है, उसको कोई भी चीज़ सोच के करनी पड़ती है। लेकिन हम ये समझ जाएं कि भारतीयों के दिल के गुस्से का इतना असर है कि वहाँ के प्रमुख मोहम्मद यूनुस को 2 दिन पहले हमारे शक्तिपीठ ढाकेश्वरी माता के मंदिर में आकर के प्रणाम करना पड़ा। उनको मोदी जी को फ़ोन करना पड़ा कि हम गारंटी लेते हैं, गारंटी तो हमने ली थी आपकी, आपको तो किस लायक छोड़ा हुआ था। जब मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश के निर्माण के लिए लड़ रही थी तो उनके पैरों में चप्पलें नहीं थी, शरीर के ऊपर कपड़े नहीं थे, हमने तो रोटी दी, कपड़े दिए, चप्पलें दी। अगर वो बांग्लादेश भूल जाए, लेकिन वो तो अपने राष्ट्रपिता को ही भूल गया। मुजीबुर रहमान को किस तरह परिवार सहित गोलियों से मारा गया, तो इसलिए उनका पूरी जो उनका शिक्षण होना चाहिए था वो भारत से अलग होने के कारण हो नहीं पाया। अगर वो भारत से जुड़े रहते तो उनको पता होता कि भाई भाई का कितना दर्द है। आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर कितना आतंक है, हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। क्या बांग्लादेश अपने पश्चिम बंगाल की सरकार को बर्खास्त किया गया? नहीं, क्योंकि हम लोकतांत्रिक हैं, हमको उसके भविष्य की चिंता है। तो इसलिए भारत जो भी कदम उठाता है, और विश्व का सबसे बड़े नेता हमारे प्रधानमंत्री हैं,
तो उनसे ज़्यादा कौन सोच सकता है। एक आखिरी सवाल है, प्रिय विषय भाजपा का हम कह सकते हैं राहुल गांधी, विधानसभा में आपने भी उनके लिए काफ़ी कुछ बोला, और एक रिसर्च में ये सामने आया, और एक बांग्लादेशी पत्रकार ने ही, वो भी संयोगवश वो मुस्लिम धर्म का था, उसने ये कहा है कि बांग्लादेश में जो भी हिंसा हुई है कहीं ना कहीं राहुल गांधी का उस हिंसा के अंदर, तख्तापलट के अंदर हाथ होने का, उस बांग्लादेशी पत्रकार ने अंदेशा जताया है, और यही चीज़ डोकलाम में जो हिंसा हुई थी उस समय भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी का हाथ होने की जो कह सकते हैं अंदेशा है, वो कहीं ना कहीं विदेशी पत्रकारों ने ही जताया था। देखिए, हाथ होने की बात मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना निश्चित है कि राहुल गांधी जी के साथ में समस्या ये है कि 55 वर्ष की उम्र में न तो वो बुजुर्ग हो पाए हैं, न वो युवा रह गए हैं, और हरकतें बच्चों वाली करते हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। ये पता नहीं है उनको कि भारत के अंदर पहली लिस्ट मंत्रियों के लिए जो माउंटबेटन को दी गई कांग्रेस के द्वारा, उसके अंदर मुस्लिम और हिंदू के आधार पर मंत्री बनाए गए। भारत विभाजन के लिए जो पहला हाथ उठा वो पंडित नेहरू का था। तो इसलिए यह परिवार कभी समझ नहीं पाया कि राष्ट्रीयता क्या होती है, और जब समझ नहीं पाया तो आप देखिए कि 55 साल का व्यक्ति जो अपने को शिवभक्त कहता हो, जो अपने को दत्तात्रेय ब्राह्मण कहता हो, उसको जनेऊ पहननी नहीं आती, तो ऐसे को क्या कहेंगे हम। आपको मैं जानकारी के लिए बताता हूँ कि राहुल गांधी कभी अयोध्या नहीं गए, लेकिन राहुल गांधी बाबर की मस्जिद पर जा चुके हैं, तो उनको बाबर की मस्जिद पर अफगानिस्तान में जाना ध्यान रहता है, और स्वामी विवेकानंद जी और रामकृष्ण परमहंस की समाधि के दर्शन करना याद नहीं रहता, तो ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहें। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अपवाद माना जाता है, और हम ये मानते हैं कि उनके मतलब कोई भी भूल हो सकती है, उस श्रेणी में वो आते हैं, वो अच्छा करने की ही कोशिश करते होंगे लेकिन कर नहीं पाते। मैंने एक फोटो देखी है जिसमें राहुल गांधी जी की उम्र 10 वर्ष होगी, और उनके के सामने राजीव जी हैं, और राजीव जी राहुल गांधी को डांट रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने उनका कैमरा तोड़ दिया। तो बचपन से जिसके अंदर इस तरह की आदत हो, मैंने उनकी फोटो देखी है जिसमें वो नाखून कुतर रहे हैं, किसी भी मनोचिकित्सक से पूछा जाए कि कोई बच्चा बचपन में नाखून क्यों कुतरता है, कोई बच्चा कैमरे के क्यों हाथ लगाता है, किसी बच्चे को अपने पिताजी से क्यों डांट सुननी पड़ती है, तो चूंकि उन्होंने बहुत दुख देखे हुए हैं, दादी की हत्या देखी हुई है, चाचा की नृशंस मृत्यु देखी हुई है, पिता की हत्या देखी हुई है, तो इसलिए अब उनको क्या कहा जाए। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जब डोकलाम से विवाद चला तो क्या उनको चीन के दूतावास में जाना चाहिए था, क्या जाकर के उनको वहाँ पर भोजन करना चाहिए था, क्या देश की भावनाएं डोकलाम के साथ नहीं जुड़ी हुई थी, लेकिन वो कर नहीं सकते, उनके बस में नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि वो जानते ही नहीं हैं कि मुंबई के अंदर अगर पाकिस्तानी हमला हो रहा है, उस शाम को उनको पार्टी में डांस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनको पता ही नहीं इस बात का। हमारे साथ गोपाल शर्मा जी, शास्त्री नगर विवाद के बारे में इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि परिवारजनों को सरकार से बातचीत हो चुकी है, उचित मुआवजा जो भी सरकार तय करेगी वो उसे मिलेगा, परिवार को आर्थिक सहायता के साथ साथ उनकी पूरी ज़िंदगी अच्छे से चल सके उसके लिए एक सदस्य को नौकरी भी मिलेगी। और रही बात बांग्लादेश में हो रही हिंसा की बात हो या फिर कोलकाता के अंदर एक महिला नर्स के खिलाफ जो अत्याचार हुए, दोनों ही मामलों में गोपाल शर्मा जी का कहना है कि देश का हर सच्चा नागरिक देश के हर एक दुखी गरीब असहाय नागरिक के साथ है, इसका उदाहरण पूरा देश देख चुका है। रही बात राहुल गांधी की, तो गोपाल जी का साफ तौर पर कहना है उनके लिए किसी भी प्रकार की कोई कमेंट करना ये सही नहीं समझते, जैसी उनकी बुद्धि वैसा वो कार्य करते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।